दर्द कम हो गया काफी काफी हाँ। सही बोली तो फिलहाल तो हाँ है? हाँ नहीं अच्छा। आप ठीक हो करते ना आगे देख घुमाले पंखे ही जा टेबल फैन की डाल ये ले देख लो भाई कौन है उधर नहीं नहीं कर दिया रेडी पहले थेरेपी में रेडी हो गया हाँ चलो कई दिन में सोई है चैन की नींद चार समस्याएं दो एक तो पैरों में बहुत जलन होती है पानी में डाल डाल करके हैंडपम्प से खींच करके बैठता हूँ उसी में आधा एक एक घंटा बैठ करके उसमें पैर डाल करके बैठता हूँ इतनी जलन होती है साइटिका का हो गया नसें कमजोर हो गई और ये घुटनों का दर्द हो गया अच्छा, ये समस्या है तो और बहुत सारे लोग तो कहते हैं ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी प्रॉब्लम है भाई होती होगी तो किसी ने कहा वो विटामिन की कमी से होता है तो बहुत सारे विटामिन खा लिए विटामिन B1 विटामिन B6 विटामिन B12 विटामिन ई और कैल्शियम और विटामिन D3 ये सब खाए लेकिन 3 महीने खाने के बाद कुछ भी नहीं हुआ ये कौन सी बीमारी होती है डॉक्टर साहब देखो सर ये सारे बाकी देखा जाए ना तो सारे वायु के दोष हैं जी जी ठीक है इनमें पान वायु विकृत होगी इनकी बाभा जी की जी, और जिस वजह से जो नाभि से नीचे के जितना भी एरिया होता है ना उसको वही संभालती है ये जो बाबा जी बता रहे हैं कौन सी बीमारी बता नाम बता रहे हैं ये बाबा जी कह रहे हैं डायबिटिक सॉरी न्यूरोपैथी अच्छा पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो नीचे का जो नसें होती है ना वो कमजोर हो जाती हैं ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है नमनेस आती है झंझनाहट होती है सुन पनाना शुरू हो जाता है तो ये सब तकलीफें उनको हो जाती है नाभि से नीचे के रोग हैं सारे तो ये मतलब बढ़ती उम्र में होते हैं या फिर किसी भी उम्र के लोगों को हो सकते हैं देखिए बढ़ती उम्र में जो बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है तब ये रोग होते हैं और दांतें कमजोर हो जाती हैं स्वाभाविक है जब बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा दांतें कमजोर हो जाएंगी तो ऐसे ऐसे रोग हो जाते हैं पर उनको अगर समय रहते संभाल लिया जाए उचित चिकित्सा मिले ना तो वो पेशेंट परेशान नहीं होता जी थैंक यू धन्यवाद लोक प्रसार चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है और आज फिर दोबारा आए हम श्याम सुंदर जी के पास नागलोई में और मरीज हाल है और आज विशेष रूप से मैं स्पेशल क्यों आया हूँ आपके बहुत से फोन आए बहुत से कमेंट भी आए एक तो पैरालाइज के ऊपर कि अच्छे से आप अध्ययन करें भाई देखिए मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन जैसी भी आप प्रश्न करते हैं जैसी भी उनका सवालों का जवाब लेने के लिए हम आते हैं तो आ जाए एक तो पैरालाइज के ऊपर आपको पूरी जानकारी देंगे डॉक्टर साहब और हर मरीज से भी पूछेंगे दूसरा घुटनों के दर्द के लिए विशेष रूप से आपने बोला कि घुटने रिप्लेस बोल देते हैं डॉक्टर काफ़ी लोगों ने फोन किया मेरे पास बहुत से उनमें जानकार भी थे मेरे तो आप लोगों ने जो बोला वो उन्हीं के प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और उन मरीजों से मिलवाऊँगा आपको तीसरा एक है रीढ़ की हड्डी से संबंधित L4, L5, S1, S2, S3, S4 जो भी है तो वो जैसे साइटिका सर्वाइकल इनके बारे में पहले वीडियो में बता चुके हैं लेकिन आज फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि एक बाबा जी आए हैं उत्तराखंड से यूपी से उनको बहुत सी तकलीफें हैं 80 साल के हैं वो तो उनको भी दिखाऊंगा कितनी राहत मिलती और भी ऐसे मरीज बाहर बैठे हैं जो आज वीडियो देख के आए हैं उनको लाइव दिखाऊंगा मैं आपको वीडियो को पूरा देखना कि उनको कितनी तकलीफ और कितनी राहत मिल रही है रीढ़ के हड्डी में तकलीफ है कई एक भाई तो मतलब बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटलों में घूम के कम से कम भी 5 किलो वजन की रिपोर्ट ले रहा हो इतनी रिपोर्ट इकट्ठे करके लेके आ रहा हो उसको भी लाइव दिखाऊंगा और अभी ये बहन जी को पहले भी आप सुन चुके हैं आज फिर भाई सबसे पहले यही मिल गई है हमें पे तो नमस्कार नमस्कार सर तो कैसे तबीयत है आपकी पहली थेरेपी में आपको कितना आ रहा है बहुत कहते हैं ना 100% मुझे 60% था आज 80% का रहा अभी करवा लिया हाँ करवा लिया मैं चल के भी आई बिल्कुल हल्का फील हो रहा है मुझे और कोई दिक्कत भी नहीं है एवियन में तो मेरे ऑपरेशन की बोल रखी है वैसे अब कोई दिक्कत नहीं 2 साल से बिल्कुल रिलीव है मुझे और चलने में भी कोई दिक्कत नहीं है मैं अपने पैरों से चलने लगी थी व्हील चेयर पर चलती थी और उसके बाद आज मैं अपने पैरों पर चलती हूँ
बहुत बहुत धन्यवाद। नाम क्या आपका? मेरा नाम राधिका है, मैं हरियाणा से धन्यवाद। और देखिए अभी एक और आंटी जी बैठी है, इनसे भी बात करते हैं। नमस्कार जी, आप कहाँ से? मैं तकलीफ से मेरा पैर में दर्द हो रहा था, चल नहीं पा रही थी, मुंह भी सरा सरा चल रही थी, कई दिन उठे पैर मतलब पूरा नहीं उठा करता। अच्छा, फिर यहाँ आने के बाद कब आई थी? कल आई थी, सोया नहीं करती रात को ना दिन में, कल यहाँ से जाके दो घंटे दिन में सो गई, रात को भी आराम से सोई, दर्द नहीं, थोड़ा थोड़ा पैर महसूस हो रहा है, तो एकदम से तो जैसे मतलब दर्द जहाँ था वहाँ से ठीक करते हैं, दबाने से भी होता थोड़ा बहुत। हाँ नहीं, कल से मेरा बहुत आराम से, रात आराम से। कितने दिन तक ये दर्द? तो मेरा कई दिन से था, एक साल हो गई, एक साल सारा हो गया इसमें मेरा दर्द न। मैं दवाई लेती रही बादलगढ़, तभी ले आई हरियाणा, तभी ऐसा ही, तभी सोनिया हॉस्पिटल भी दाखिल हो, छोड़ दिया डॉक्टर तंतावड़ा, नहीं नहीं छोड़ रहा, चैन हो गया, और हरियाणा में कहा इस तरह चैन हो गया, तो नुकैस कहा कि डॉक्टर बढ़िया है, नहीं बढ़िया है, ये आना चाहिए इसके दौर, आना चाहिए इसके दौर, जी दिल लिया दौर यार, पैर तो नहीं चला जा रहा, तंग पा रही, मैं रोया करती रात को बैठ के, रात में संजय सोई खाना खा के, सुबह कई दिन में सोई है चैन की नींद, कल कई दिन में सोई। चलो भगवान करे ही बात, तेरे चैन पड़िया रहे, एक दो थेरेपी और जो डॉक्टर बताओ, जो परहेज बताओ वो करिए, तने के वैसा ही करने आराम करिए, ठीक, धन्यवाद, शुक्रिया, आइए मैं और मिलवाता हूँ। तो ये देखिए भाई, यहाँ पर लगे हुए हैं थेरेपी के लिए, ये इनको अभी कपिंग थेरेपी की थी, और ये कपिंग थेरेपी के ही निशान है, और अभी ये वर्म थेरेपी की जा रही है, मसाज की जा रही है इनकी, और इनको बहुत सी तकलीफें हैं, और ये बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटलों में घूम चुके हैं, तो इनसे मैं बातें भी कराऊंगा आपकी, फिलहाल ये थेरेपी चल रही है। तो सर ये जो अस्थमा का इलाज भी आप करते हैं? जी देखो लंबा साहब, अस्थमा और जो आपको नजला रहता है, हाँ, नजला छींक बार बार आती है, बार बार आपको नजला हो जाता है, उसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं अग्निविद के। अच्छा, अग्निविद के माध्यम से, और पेशेंट को जो है, पेशेंट की जितनी हैवी दवाइयाँ होती हैं वो जल्दी ही कम हो जाती हैं, विद इन वीक उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अभी अंकल जी आए हैं, इनकी सांस में दिक्कत है, अभी इनका ट्रीटमेंट करेंगे, आप उनसे बात करेंगे। अच्छा, बिना दवाई ट्रीटमेंट करते हैं आप इनको कपिंग से? जैसे ना अग्निविद से, बिना दवाई के ट्रीटमेंट, दवाई तो पेशेंट वही खा के परेशान है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, कमाल है जी, ये नजले के लिए तो बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ, इंजेक्शन वगैरह देते रहते हैं लोग, ये इतनी महंगी दवाई 5,000 की 10,000 की, और आप बिना दवाई के ठीक करने जा रहे हैं? बिना दवाई के, कोई दवाई उसको नहीं देते, घर के लिए कुछ बता देते हैं नाक में डालने के लिए कुछ वगैरह, बाकी ऐसा कुछ नहीं देंगे, सिर्फ उसको विद करेंगे और 2 मिनट बाद पूछेगा पेशेंट से। अच्छा, 2 मिनट बाद ही? 2 मिनट बाद। कमाल का थेरेपी है भाई, देखिए ये कमाल है। और तो वही देखिए, दोनों के दोनों को मैंने आपको दिखा था, इनका इलाज चल रहा था, ये भाई कह रहे हैं मुझे तो 25 साल से तकलीफ है, और ये कह रहे हैं 7 महीने से सर्वाइकल है। तो इन दोनों को अभी पूछते हैं कितना आराम इनको है। नमस्कार भाई, तो आपने यहाँ श्याम सुंदर जी के पास अभी ट्रीटमेंट करवाया है, कैसा क्या महसूस किया आपने? बहुत बढ़िया है, पहले तो बीमारी जो बताते हैं क्लियर बता दी, बिना है कुछ देखे, मतलब ये जो चीज बताई वही एक्सरे में थी वही कुछ था वही। अच्छा अच्छा, दूसरा अभी आपने कपिंग वगैरह करवाई, मसाज करी है, और भी बहुत सी थेरेपियाँ करी हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं, कितने परसेंट राहत महसूस कर रहे हैं? जो अभी वो किया है, हाँ, पैरों में झूम चलनी है, वो पैर, हाँ, जैसे घुटनों में बता रहे थे आप, पैरों से है। अच्छा, वो चीज में काफी राहत महसूस, हाँ। तो देखिए आपको काफी, कितने साल पुराना था आपको तकलीफ? 25-30 साल पुराना, और काफी दवाइयाँ खा चुके हैं भाई, और आज पहली बार आए हैं, और आपको लास्ट में भी मिलेंगे हम, जब थेरेपियाँ करवा के आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे तब जरूर मिलेंगे आपसे। हाँ भैया, आप बताएं क्या रहा आपका, थेरेपी से कितना राहत आपको?
पहले से अच्छा महसूस हो रहा, हल्कापन है। हाँ, आराम आराम। कितने परसेंट मान लू मैं, 30%, 40%, 10%, 2%? मान सकते हैं 30-40% के अराउंड। 30-40% है आराम। और भी अभी बुलाया है। अच्छा, हाँ तो आना तो लगातार पड़ेगा आपको, आ जाएगा आराम इस बार। अच्छा, अभी दर्द में 40% आराम है आप। चलो, और भी बहुत से लोग आए हुए हैं, और भी बहुत से मरीज आए हुए हैं, इनकी भी आपको लाइव दिखाऊंगा मैं। तो मैं इनसे पूछता हूँ, अभी ये कपिंग कर रहे हैं, देखिए ये ऐसे कपिंग कप लगा दिए जाते हैं ये ऊपर से। तो भाई साहब कहाँ से हैं आप? मैं यही नांगलोई से हूँ, वैसे हरियाणा रहने। हरियाणा के रहने वाले? हरियाणा में कहाँ के? गाँव थुराना, तहसील कुंभा थुराना। अच्छा, तो क्या समस्या आपके? मेरा ये खोआ में धक्का लग रहा है ये गर्दन में दर्द। अच्छा, पहली बार आया हूँ, पहले मिसिज। पहली बार आए? पहली बार। अच्छा, चलो देखते हैं भाई, बाकी ठीक है, वो मिसिज का जो इलाज हो रहा है। अच्छा, ठीक हो गया? हाँ, बता रही थी मैंने उनसे फोन अभी बात की थी। चलो, बहुत अच्छी बात है, पता लगा ना। अच्छा, नजले का भी। तो देखिए भाई, ये जो सर्वाइकल का इलाज करा है, भाई कह रहा है कि मेरे को बहुत पुराना नजला भी है। कितनी साल पुराना नजला हो गया मेरे को? फिर भी 5-6 साल तो हुई। 5-6 साल हो गई। चक्कर सुबह उठते ही 50-60 छींक आती है डेली। अच्छा, और नाक हमेशा टपकती रहती है। अच्छा, नाक पे पानी हमेशा महसूस होता है, जब भी लगाओ हाथ तो मतलब नाक गीला होता है, पानी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो डॉक्टर साहब इनका भी मतलब ट्रीटमेंट देखते हैं। ये तो जवान लड़का, जल्दी ठीक हो जाता होगा? हाँ बिल्कुल, अगर ये कुछ परहेज करेंगे जल्दी ठीक हो जाएंगे। नजले का ट्रीटमेंट अभी हम करते हैं। अच्छा, ठीक है, और 1 मिनट का ट्रीटमेंट है। अच्छा, समय नहीं लगेगा। अच्छा, और एक बार इनका जितना ये यहाँ पे इनके जो है ना ये जम जाता है सारा। अच्छा, एनस के अंदर ये जो है ना कैविटी में सारा ये जाम पड़ा है, ये सब जमा पड़ा है। ठीक है, ये सारा बाहर आ जाएगा। अच्छा, एक स्टीम बताएंगे इनको लेने के लिए बाप, और अब इनके रास्ते खोलते हैं और 1 मिनट का ट्रीटमेंट करते हैं और फिर आप देखिएगा। अच्छा, चलो ये देखिए भाई, ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं नजले का, और यहीं कर रहे हैं बैठे बैठे वह जी, इनका 1 ही मिनट का है। ये देखिए, ये देखिए, कोई वैद्य ना बन जियो भाई, अपने घर ना सुराख करने लग जियो, कदे और किते कर दो। नाक से पानी गिरेगा, इसका सारा गंदा आ जाएगा बाहर। हाँ, अब इसका जो है एक बार यहाँ से ये रिलीज होगा और नाक से एक बार सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी। अच्छा, और उसके बाद स्टीम बताएंगे, जो अंदर चिपका हुआ गंद है वो भी बाहर निकल जाएगा। दवाई की हम कोई देते नहीं, इसकी दवाई नहीं देते ना। तो देखिए भाई, नजला बिना दवाई, और अब भाई का आने लग गया है मेरे ख्याल, पानी शुरू हो गया है। हाँ, तो भाई देखिए, इसको भी बहुत नजला था भाई को। कहाँ से भाई आप? यहीं दिल्ली से ही हूँ, अमर कॉलोनी से। हाँ जी। अच्छा, कितना पुराना नजला था आपको? मेरे को 2.5 साल हो गए। 2.5 साल? 2.5 साल। अच्छा, तो अभी आराम है बिल्कुल, दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ती है। कोई दवाई नहीं दी? कोई दवाई नहीं। आप बिल्कुल रेडी हैं आप? हाँ। अच्छा, कितनी बार करवाया है ये मतलब ट्रीटमेंट आपने? मतलब 1 हफ्ता अभी मेरा ट्रीटमेंट और चलेगा। अच्छा, हाँ, इससे आराम है बिल्कुल। तो देखिए भाई, ये गजब गजब के रिजल्ट हैं नजले के। ये ले भाई, देखा डॉक्टर साहब ने कर दी है थेरेपियाँ इनकी, और पूछेंगे कितना क्या आराम लग गया है। पहुंची बना दिया लेफ्ट राइट करके भाई। महाराज जी का तो भाई देखिए, बहुत बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बाईपास भी हो रही है। ये उसी के तो हाँ, महाराज जी का स्पाइन की सर्जरी हो रखी है, हार्ट की बाईपास हो रखा है, और शोल्डर की भी महाराज जी सर्जरी हो रही है ना। हाँ, शोल्डर की भी सर्जरी, बहुत क्रिटिकल केस है, कोई इनको छूने से डरते हैं। और हर्निया की भी हुई हुई है। हर्निया की भी हो रही है? हाँ जी। अच्छा, तो निराय पाड़ रखे सारा, और हाइड्रोसील की भी कर रखी है, 5 सर्जरी हो रही है। बाबा तो भाई सारा पार्ट की छोड़ रखे है चारों तरफ से, और आज ही देखते हैं कि, तो कहते हैं कि आप कई काफ़ी जो वैद्य हैं वो ही कहते हैं डॉक्टर साहब कि भाई हम सर्जरी जिसकी हो रही है उसने छेड़ा ही नहीं। एक्यूप्रेशर वाले भी कह देते हैं, और दूसरे वैद्य भी कह देते हैं भाई जिसकी सर्जरी हो रही है मैं हाथे नहीं लगावा। तो आप क्या करोगे, क्या तो करोगे? देखो जी, सब वैद्य का अपना एक्सपीरियंस है, हम किसी और के नहीं कहेंगे, पर जब हमारे पास महाराज जी आए हैं तो
इतनी सर्जरी के बावजूद भी केस क्रिटिकल हो जाता है, ठीक है, असाध्य रोग हो जाता है, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ चिकित्सा इसकी उपलब्ध है। अब इनको थोड़ी देर में चिकित्सा देंगे, उसके बाद आप महाराज जी से पूछिएगा, ठीक है, धन्यवाद। बताए कड़ा रह गया दर्द, देख हाथ उठा के सारे, दोनों उठा, जितने हाथ से सारे उठा ले तेरे, दर्द कम हो गया, काफी काफी हाँ। तो फिलहाल तो हाँ है? हाँ नहीं अब ठीक हो गया, कर देना आगे, देख घुमा ले पंखे की, जा टेबल फैन की डाल, ये ले देख लो भाई, कौन होता नहीं दर्द, नहीं नहीं कर दिया रेडी, पहले थेरेपी में रेडी हो गया, नरम भी हो रही पीछे से, टाइट हो रहा था, टाइट था ये ऑर्डर दिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए भाई महाराज जी की थेरेपी होने लग रही है, ये घुटनों की थेरेपी की जा रही है, और उसके बाद अग्निविद करेंगे वो दिखाएंगे आपको, तो ये देखिए भाई ये है अग्निविद, ये सोने की छड़ है, और ये जो छड़ी है ये सोने की है, और इसी की गर्माइश जहाँ पर नीडल लगाई थी वहाँ जा रखी है, अंदर नहीं गई है ये, बाहर ही है, ये देखिए बाहर ही रखी है ये, और ये जो गर्माइश से जो सोने की कण यानी कि स्वर्ण भस्म भी अंदर जाएगी शरीर के उन जॉइंटों में जाएगी जहाँ पर ज़रूरत होती है, पूछते हैं हमें वैद्य जी से कि ये क्या काम कैसे काम करती है ये अग्निविद जी, डॉक्टर साहब ये जो कैसे काम करती है और इससे कितना क्या फ़र्क पड़ जाता है? इससे सर आपकी अंदर वैसोडाइलेशन टेक्निक्स को हम डेवलप करते हैं, जिससे कि अंदर का जो जल बाहर आ गया है रिड्यूस हो गया, वो वापस हम डिस्क के अंदर उसको रिड्यूस कर देंगे, थोड़ा सा डी कंप्रेशन थेरेपी के द्वारा हम लोग इसमें दोनों वर्टिब्राज के बीच में गैप मेंटेन करते हैं, और उसके बाद में हम लोग जो है अग्निविद करते हैं, तो यहाँ पे वैसोडाइलेशन से जो है ये चीज़ अंदर हो जाती है और पेशेंट को इमीडिएट रिलीफ आ जाता है, यानी कि जो डिस्क की साइडों में जेल निकल जाता है, जो जगह खाली हो जाती है वापिस वो जेल अंदर चला जाता है, बिल्कुल बिल्कुल उस जेल को ही अंदर भेजते हैं, वो जेल ही अंदर जाता है, और ओरिजिनल ट्रीटमेंट भी यही है, हाँ बिल्कुल सर। देखिए भाई महाराज जी चल रहे हैं, महाराज जी भाई जितना दर्द अभी पहले हो रहा था ना उसमें दर्द में कमी आई है। सबसे प्राचीन चिकित्सा अग्निविद चिकित्सा है, और विद हमने किया है जिससे कि भेदन करने से, विद का मतलब भेदन, और भेदन से जो वहाँ पे दोष संचित होते हैं वो दोष बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, और अग्नि जब हम गोल्ड पार्टिकल्स वहाँ देते हैं सोने की सलाखा से, तो वहाँ पे जाके वैसोडाइलेशन होकर के वो चीज़ ठीक होना शुरू हो जाए, हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, दैट्स इट। अच्छा कल कितने बजे आना है? महाराज टाइम दे देंगे, एक टाइम दे देंगे आप। तो महाराज जी कितना लगभग अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा, इस समय तो थोड़ा आराम आया, आप कब तक ये रहता है मैं कल बताऊंगा आपको, पूछेंगे कितनी देर तक आराम रहा, अभी तो आराम है, हाँ इस समय आराम महसूस हुआ है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी।